अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एन के एफ किचन एंड ब्लॉग। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का। इसके लिए हमने लेग पीस लिए हैं और इसको कट लगाए हैं। सब पीस को हम कट लगा लेंगे। थोड़ी सी दही लेंगे, दो से तीन चम्मच हम दही लेंगे। इसके अंदर सब स्पाइसेस डाल लेंगे। ये स्पाइसेस आप देख सकते हैं। टिक्का मसाला है, पिसा हुआ धनिया है, मिर्चे हैं, मेथी दाना है, मेथी के पत्ते, कसूरी मेथी है और कुटी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, ये सब चीज़ें हमने डाली हैं। अदरक लहसुन का पाउडर है, लेमन जूस, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक एक पीस को अच्छी तरह से कोट कर देंगे। बहुत बहुत ही अच्छे से एक एक पीस को लगा लेंगे। हम सब पीसेस को लगा चुके हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे क्योंकि मैं इसके अंदर डालना भूल गई थी। रैप करके रख देंगे। ये हमने ऑयल लगाया, इसको रैप करने से पहले मैं भूल गई थी, फिर मैंने रैप उतारा और फिर से ऑयल लगाया और फिर रख दिया। अब हम इसको एक पतीले में निकाल लेंगे। हम इन्हें ओवन में भी कर सकते हैं। मैं हमेशा ओवन में टिक्के बनाती हूँ लेकिन आज मैंने पतीले में बनाए हैं। एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल नहीं डाला है, वही ऑयल जो इसमें डाला था टिक्के बनाते वक्त, वही ऑयल। और इसको ढक के रख देंगे। ये अपने ही मसाले के पानी में, दही और चिकन के अपने पानी में अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। एक साइड से जब ये कुक हो जाएंगे तो आप इसकी साइड चेंज कर दें, इसको ड्राई होने तक पकने दें। चेक करेंगे, अभी इनमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे से ड्राई करेंगे इनको, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमारे टिक्के भी कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे टिक्के बन चुके हैं। आप भी बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।